राष्ट्रीय जनता दलाच्या प्रदेश अध्यक्षपदी ऍडव्होकेट मोहम्मद खान यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. या निवडीचा कार्यक्रम नांदेड येथे संपन्न झाला. यावेळी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी बोलले, सध्या महाराष्ट्रात असलेली सरकार महागाई व दुष्काळ या निवारणात सबशेल अपयशी ठरलेली आहे. येणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात याची किंमत यांना फार मोठ्या प्रमाणात चुकावी लागेल. तसेच आम्ही व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तसेच आम्ही सहयोगी दल एकत्र येऊन या विरुद्ध लढा देऊ असे ते म्हणाले. तसेच येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हे देखील संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करणार असून येथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतील. किसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा उसका एक रिजल्ट बिहार और दिल्ली के रूप में आप तमाम के सामने, मीडिया भाइयों के भी सामने, आम जनता के भी सामने और आम जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश से महंगाई दूर हो, परेशानी दूर हो, तकलीफ दूर हो, इसका एक रिजल्ट बिहार के रूप में, दिल्ली के रूप में आम जनता ने दे दिया है, बता दिया है कि हम चाहते हैं उसे सत्ता पे बिठाते हैं, हम चाहते हैं उसको सत्ता से उतारते हैं. बिहार की जो कामयाबी है ये सेकुलर ताकतों की कामयाबी है, ये आम जनता की कामयाबी है, ये हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे तमाम बिहार के और ऑल इंडिया के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनके तजुर्बे की कामयाबी है, उनके परिश्रम की कामयाबी है. आम जनता नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बांटा जाए. यह आम जनता सुकून और खुशियां चाहती है और आम जनता को सुकून और खुशियां चाहिए और सभी जात धर्म के लोग, माइनॉरिटी हो चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, उनको लेकर चलने वाली पार्टी अगरचे कोई है हिंदुस्तान के अंदर तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता माननीय लालू प्रसाद जी यादव, ये यही करिश्माई नेता है.